Hanuman! Hanuman! Hanuman, aisa mat karo! Hanuman, nahi, mujhe mat niklo! Chhod do! Chhod do! Chhod do, Hanuman! शांत हनुमान, शांत हो जाओ। तुम्हारा ये रौद्र रूप असुर संहार के लिए है, देवताओं के लिए नहीं। हनुमान छोड़ दो मुझे। कालदेव को मत निगलो कालेश्वर। धन्यवाद महादेव। विनम्रता और सौम्यता तुम्हारी पहचान है मंगल मूर्ति। शांति को धारण करो। कालदेव को मुक्त कर दो। महाकाल महाकालेश्वर हनुमान, तुम्हारे पिता की मुक्ति कालदेव से मैं कराऊंगा। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आना। मैं केसरी नंदन अंजने पुत्र हनुमान काल लोक से अपने पिताश्री के प्राण वापस ले आऊंगा। पराक्रम लोलल्लांगूल पातेत ममारातीन निपातय। ओम मर्कटाधिप मार्तंड मंडल ग्रास कारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम अक्षयन्न पिपिंगाक्ष क्षितिशोक क्षयंकर लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय।
ओम महाकाल संसार दुख भारा पहारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। हनुमान, कालदेव के इतने बड़े अपराध के पश्चात भी तुमने इन्हें मुक्त करके अपनी न्याय और सौम्यता का परिचय दिया है। केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान करके कालदेव ने न्याय ध्वजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब यह ध्वजा आपके सिंहासन विचार भू के साथ शोभायमान नहीं हो सकती। कालदेव, तुम्हारे केसरी के साथ न्यायकर्ता के लिए आवश्यक है विनम्रता और सौम्यता, जिसका परिचय आज हनुमान ने दिया है। आज से हनुमान का यह महारूप महाकाल कालेश्वर हनुमान के नाम से जग प्रसिद्ध होगा। और मैं ये विधान करता हूं कि जो भी श्रद्धालु भक्त इस न्याय ध्वजा का प्रतीक लाल ध्वजा हनुमान को चढ़ाएगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब आपको अपनी भूल का सुधार करते हुए हनुमान के पिता महाराज केसरी की आत्मा को मुक्त करना होगा। ऐसा ही होगा महादेव। हनुमान, मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु प्रदान कर मैंने भूल की थी। अपने अभिमान में अंधा होकर मैंने नियम की सीमा का उल्लंघन किया था, इसलिए मैं तुमसे एवं समस्त देवताओं से क्षमा प्रार्थी हूं।
महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। सर्व संकटहारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। हनुमान, मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है, अब तुम भी अपना क्रोध त्याग दो। हनुमान, महादेव ने जो विधान किया कि तुम्हें जो लाल ध्वज चढ़ाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस विधान का मैं सदैव पालन करूंगा और अपनी भूल सुधारते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करता हूं। हनुमान, प्रणाम पिताश्री। कालदेव, आपने मेरे पिताश्री को मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए कालदेव। कालदेव, महादेव द्वारा प्रदान किया गया ये न्याय का ध्वज अब आपके काल लोक में ही शोभित होगा, बस आप इसकी मर्यादा को बनाए रखिए। लीजिए कालदेव। अवश्य हनुमान, ऐसा ही होगा। हनुमान, तुम शीघ्र ही अपने पिता की आत्मा को लेकर पृथ्वीलोक पहुंचो, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। जी परमपिता। चलिए पिताश्री। हनुमान, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे कारण तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं, उनसे क्षमा मांगनी है मुझे। सब देवगणों को प्रणाम। प्रणाम परमपिता। चलो पुत्र। चलिए पिताश्री। ऐसा मत करो वाष्कली। देखो सुमेरु की महारानी, देखो यह अग्नि फैल चुकी है। अब जैसे जैसे ये अग्नि केसरी की ओर बढ़ेगी तुम्हारी पीड़ा बढ़ेगी। नहीं वाष्कली, नहीं। हनुमान, अपने पिता की रक्षा करो पुत्र, बचाओ अपने पिता को।
मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दे रही है। वहाँ अवश्य ही कोई संकट है, मुझे शीघ्र ही जाना होगा। जाओ पुत्र। राक्षसों को रोको, तब तक मैं तुम्हारे पिता को जीवित करता हूं। रक्षवीरों, समाप्त कर दो हनुमान को। शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंदिह शमु संतुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा।
तेरे पिता की तरह चिता में फेंक दूंगा।